हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हम पार्ट 3 में देखेंगे कि जो आपके एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह चुके हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उनको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करो, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा 10th का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो जो इसमें आपका थर्ड पार्ट है उसमें क्या है कि फॉर द फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री। सो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे थ्री है, क्लियर है। सो कॉमन डिफरेंस जब हम निकालते हैं क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सो यहाँ से हम वन माइनस थ्री क्या करेंगे, माइनस टू आ जाएगा। सो अगेन आप नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके देख लो, माइनस वन माइनस वन, सो कितना आएगा, माइनस टू। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा क्योंकि ए पी में है। सो यहाँ से आपका ए कितना आ गया, थ्री, और डी कितना आ गया यहाँ से, माइनस टू, क्लियर है। सो ये हमारा ए और डी की वैल्यू आ गई, क्लियर है। सो आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहले यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म। सो माइनस वन माइनस माइनस ऑफ माइनस फाइव, ठीक है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस फाइव माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फाइव। सो कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, क्लियर है। सो आगे भी चेक कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट टर्म क्या है, थ्री, माइनस प्रीवियस टर्म कितनी है, माइनस वन। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो थ्री प्लस वन कितना आ जाएगा, फोर। सो गाइज आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितना है, माइनस फाइव, ठीक है। सो जो सबसे पहली टर्म होती है वही क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होती है, क्लियर है गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सो फाइव बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, क्लियर है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, फाइव माइनस वन कितना आ जाएगा, फोर बाय थ्री। सो नेक्स्ट चेक कर सकते हो, नाइन बाय थ्री माइनस कितना आ जाएगा, फाइव बाय थ्री। सो यहाँ से डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, नाइन माइनस फाइव कितना आ जाएगा, फोर। सो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है फोर बाय थ्री आ रहा है, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वन बाय थ्री। सो ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म 1.7 माइनस प्रीवियस टर्म 0.6। सो दोनों को माइनस करेंगे, सो 7 माइनस सिक्स वन आ जाएगा, 1 माइनस जीरो यहाँ पे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। सो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो क्या है, 2.8 माइनस 1.7, दोनों को माइनस करोगे, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे पॉइंट है, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। सो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 1.1 आ रहा है, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 0.6 है, क्लियर है गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये थर्ड पार्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, हमने पता करना है कि कौन इसमें से ए पी बन रही है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर तो ए पी बन रही है देन हमने कॉमन डिफरेंस पता करना है और आगे जो थ्री मोर टर्म्स वो हमने लिखनी है, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, 2, 4, 8, 12, 16। सो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सो फोर माइनस टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। सो अगेन नेक्स्ट टर्म कितनी है, एट माइनस प्रीवियस टर्म कितनी है, फोर। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस टू फोर यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, तो ये जो क्या है, नॉट इन ए पी, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, नॉट इन ए पी। सो यहाँ से अभी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो नेक्स्ट टर्म क्या है, फाइव बाय टू माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे। सो एलसीएम लेंगे, टू मल्टीप्लाई टू कितना होगा, फोर होगा। फाइव माइनस फोर बाय टू कितना हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे थ्री माइनस फाइव बाय टू करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सो यहाँ से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिक्स। सिक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा, वन बाय टू। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सो मीन्स टू से ये क्या है, ए पी में है।
सो अगर ये एपी में है हमने, ठीक है, सो यहाँ से हमारा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्लियर है? सो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। सो आगे हमने थ्री मोर टर्म्स और लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 7/2 है ये जो हमें लास्ट टर्म गिवन है, इसके आगे हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे सिंपली क्या करो आप, कॉमन डिफरेंस है जो डी, यहाँ पे आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 सेम है, 7+1 कितना आ जाएगा, 8/2 दैट इज़ 4। सो यहाँ से जो आपकी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सो 4 में आप फिर कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड करो, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो एलसीएम जाएगा 4 × 2, 8+1 कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। सो 9/2 आया, 9/2 में से फिर आप क्या करो, 1/2 प्लस करो, सो कितना आ जाएगा, ना डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, 9+1 कितना आ जाएगा, 10, सो कैंसिल होके 5। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो ये आपकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड है कि आपका जो भी यहाँ पे लास्ट टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को प्लस करो, वो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। क्लियर है गाइस? सो आगे हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखेंगे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से हम पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म क्या है, 3+√2 - प्रीवियस टर्म कितनी है, 3। सो 3 से 3 कैंसिल, सो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कितनी है, 3+√2 - प्रीवियस टर्म, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 - √2। यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 2√2 - √2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, सो अंदर 2 - 1 रह जाएगा, सो 2 - 1 कितना होता है, 1, दैट इज़ √2। सो यहाँ से ये डी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सो इट मीन्स ये क्या है, ए पी में है। क्लियर है गाइस? सो अगर ये ए पी में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। सो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 3+√2, इसमें हम √2 प्लस कर देंगे। क्लियर है? सो दोनों में से √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सो अंदर कितना रह जाएगा, 3+1, 3+1 कितना हो जाएगा, 4। सो 3+4√2 ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सो आगे इसमें हम फिर 3+4√2 में क्या ऐड करेंगे, √2 ऐड करेंगे। सो 3 प्लस, ठीक है, √2 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 4+1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5√2 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो अगेन 3+5√2 में हम +√2 करेंगे। सो यहाँ से 3+√2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 5+1 कितना हो जाएगा, 6√2, ये हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगी। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट जो सिक्स पार्ट है वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या है, 0.22 - 0.2 करेंगे। क्लियर है? सो दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, सो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0. ठीक है, 0.02 आ जाएगा। सो नेक्स्ट फिर चेक करेंगे हम कितना है ये, -0.222 - 0.22। क्लियर है? सो दोनों को माइनस करेंगे, सो 2 यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। क्लियर है? सो पॉइंट के आगे आप जितनी मर्जी 0 लगा सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो यहाँ पे 3 डिजिट्स जो लास्ट वाला डिजिट है, सो लास्ट वाला डिजिट दोनों माइनस होंगे, 2 - 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे 2 - 2 = 0 आ जाएगा, 2 - 2 = 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.002। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। सो ये क्या है, नॉट इन ए पी, सो ये ए पी में नहीं है। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आगे आपके सभी क्वेश्चन इजी हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? सो ये चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। सो यहाँ पे क्या है, √2 है, √8, √18, √32। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। सो √8 - √2, ठीक है। सो √8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 × 2 लिख सकते हैं, -√2। सो 4√, ये 4√ कितना होता है, 2 होता है। सो 2√2 - 2, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? सो 4√ कितना होता है,
यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों अनरूट में हैं सो हम दोनों के अनरूट्स को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे किया, सो अनरूट फोर कितना होता है, टू का स्क्वायर होता है, सो टू लिख लिया मल्टीप्लाई अनरूट टू। सो दोनों में से अनरूट टू क्या हो रहा है, बाहर कॉमन हो रहा है, सो टू माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, मीन्स टू से यहाँ पे अनरूट टू आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है अनरूट टू। आगे फिर चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अनरूट एटीन माइनस अनरूट एट, ठीक है। सो अनरूट एटीन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नाइन मल्टीप्लाई टू लिख सकता हूँ, माइनस फोर को क्या लिख सकते हैं, फोर मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं। सो अनरूट नाइन है जो, वो कितना आ जाएगा, थ्री अनरूट टू आ जाएगा, माइनस फोर कितना हो जाए टू, सो टू अनरूट टू, अनरूट टू कॉमन आ रहा है, सो थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा वन, सो ये भी अनरूट टू। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, सो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, अनरूट टू आ रहा है, क्लियर है गाइस। सो अनरूट टू आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो मतलब ये क्या है, एपी में है। सो एपी में है तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अनरूट थर्टी टू है इसमें हम क्या करेंगे, प्लस अनरूट टू करेंगे, क्लियर है। थर्टी टू को अभी हम क्या लिख सकते हैं, सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं, प्लस अनरूट टू। सो सिक्सटीन क्या होता है, यहाँ पे फोर होता है, अनरूट सिक्सटीन फोर होता है, सो अनरूट टू प्लस अनरूट टू, यहाँ पे अनरूट टू कॉमन निकालेंगे, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव अनरूट टू हो जाएगा, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट टर्म हम, अगर आप इसको मैच करना चाहते हो जो आपकी बुक के पीछे आंसर है, ठीक है, सो फाइव है यहाँ पे, अगर आप इसको अंदर भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। सो फाइव का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आपको डिटेल में एक करके बता देता हूँ। सो फाइव का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और यहाँ पे वन बाय टू करता हूँ, क्लियर है। सो यहाँ पे टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आगे क्या है, यहाँ पे टू अनरूट है, टू अनरूट कितना होता है, वन बाय टू। सो दोनों की पावर क्या है, यहाँ पे सेम है, सो मैं दोनों को एक ही अनरूट में लिख सकता हूँ, क्लियर है गाइस। सो अनरूट, सो फाइव स्क्वायर कितना होता है, ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है टू, सो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा, अनरूट फिफ्टी। सो आपका ये जो ये कंसेप्ट है ना, फाइव अनरूट टू, ये किसके इक्वल होता है, अनरूट फिफ्टी के इक्वल होता है, ठीक है, जो आपके बुक के पीछे आंसर गिवन है। अदरवाइज आप इसको फाइव अनरूट टू भी लिख सकते हो, ये भी आपका सही होगा, क्लियर है गाइस। सो आगे हम फिर क्या करेंगे, फाइव अंडर टू में अनरूट टू प्लस करेंगे, सो अनरूट टू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, सो कितना आ जाएगा, सिक्स अनरूट टू आ जाएगा, क्लियर है। फिर सिक्स अनरूट टू में हम अनरूट टू प्लस करेंगे, सो अनरूट टू कॉमन आ जाएगा, सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, सेवन अनरूट टू। सो ये आपकी थ्री टर्म्स आ जाएंगी, क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम एक्सरसाइज 5.1 को ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।